राइटिंग हम अवेल्युएट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन डेफिनेटली लिखा करिए कि आगे क्वेश्चन है, शरणार्थी कौन होते हैं, भारत में कौन कौन से शरणार्थियों के ग्रुप या समूह रह रहे हैं, और हिंदुस्तान 1951 का जिनेवा कन्वेंशन क्यों नहीं साइन कर रहा, और शरणार्थियों को की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से पहला पार्ट है शरणार्थी कौन होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर देश में आकर बस जाते हैं, कि देश बसने के कारण होता, इन्हीं के देश में इनके व्यक्ति के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे उत्पीड़न तक रख के। सही लिखा है, लेकिन इसको हमने लिखना किस तरीके से है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 के, जिसको हम जिनेवा कन्वेंशन भी बोलते हैं इंग्लिश में लिख सकते हो, या फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी में लिखना है तो जिनेवा कन्वेंशन जिसको बोला जाता है, उसके कंटेक्स्ट में कि लिखो कि वो व्यक्ति अपने घरों और देशों से भाग जाते हैं, अपनी जाति धर्म राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय का उत्पीड़न की वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही लिखो इंट्रोडक्शन में कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक या संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी सम्मेलन है उसके मुताबिक इसको रेफ्यूजी या शरणार्थी बोलते हैं। भारत में कौन कौन से ग्रुप हैं शरणार्थियों के, रह चुके हैं इनकी समस्या से, जिनमें से कुछ शरणार्थी ग्रुप्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं लोग, यस बांग्लादेश से काफ़ी लोग हिंदुस्तान में आ चुके हैं, बसे हुए हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट आपका सही है। बांग्लादेश की चिट्टागोंग पहाड़ी इलाकों से चकमा लोग हैं यहाँ पे, बौद्ध चकमा है। भूटान की नेपाली मूल के लोत्सम्पाज है वहाँ पे, म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम हैं, और सोमालिया सूडान आदि अलग अलग अफ्रीका देशों से आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, अब देखो आपने एक छोटा सा क्या किया हुआ कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे करना है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज, इसके मुताबिक आप आगे लिखो इसी चीज़ को, आपने कहाँ पे लिखना है कि इसके मुताबिक 2011 में भारत में 204,600 शरणार्थी लोग रह रहे थे, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, म्यांमार से एक्सेट्रा। इनमें से 31,000 शरणार्थियों को यूएन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब ये वाला जो डाटा है ना, ये वाला, इसको आपने कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अलग अलग, कि हमें कुछ नहीं पता, ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज ये बोलता है कि इतने लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, और ये लोग वहाँ यहाँ जहाँ से आए हुए हैं। ऐसे लिखोगे तो और अच्छा पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। भारत कन्वेंशन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करेगा या क्यों नहीं कर रहा, सबसे पहला कारण है सुरक्षा, ठीक है, वेरी गुड। दक्षिण एशिया सीमाएँ भारत के बहुत हैं, अगर कोई संघर्ष होता देता है तो आंदोलन का रूप ले सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो बॉर्डर है कंपेरेटिवली काफ़ी पोरस है, जिसकी वजह से लोग कभी भी आ सकते हैं, और इसके प्रॉब्लम हिंदुस्तान को हमेशा ही रहेगी। भारत के संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा, जैसे रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ेगा, डेमोग्राफिक भी बिगड़ जाएगा क्योंकि जनसंख्या का संतुलन वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी है, बिल्कुल जी चुनौती हो जाएगी कि हमारी जन की प्रॉब्लम संतुलन बिगड़ जाएगा, और जिसके साथ ही हमारा आंतरिक सुरक्षा के ऊपर भी असर पड़ेगा। समस्या के उपाय क्या हो सकते हैं इनके लिए, शरणार्थियों की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो उपाय हैं, केंद्र और राज्य को मिलकर पॉलिसी निकालनी चाहिए जिनसे दोनों की समस्या समाधान मिल सके, ठीक है। फॉरनर एक्ट 1946 को और मजबूत करो, केंद्र को सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इसी दोनों को इकट्ठा एक पॉइंट बन जाएगा, दो अलग अलग पॉइंट मत बनाओ कि क्या उसका सलूशन है, कि एक ऊपर लिख दिया पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट भी सेम हो जाएगा, ऐसे करना अवॉइड करो। तो पहले बात, और एक और पॉइंट आगे लिख सकते हो नीचे, जैसे कि
जो भी अपना मुद्दा है, आगामी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही है, इसमें म्यांमार के मुद्दे को उठाया जाए और कोशिश किया जाए कि अगर म्यांमार नहीं मान रहा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सेंक्शन लगाए जाएँ, जिसकी वजह से म्यांमार को भी पता लगे कि प्रॉब्लम किस तरीके से करनी चाहिए। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ही एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए। जो कमीशन बिठाया जाएगा वो नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा, किस तरीके से है कि सहयोग करेगा कि कैसे कैसे आप पॉलिसी बना सकते हो ताकि एक अच्छी तरीके से पॉलिसी बनाई जा सके कि रिफ्यूजीज़ को आगे से प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे डील कर सकते हो। एंड में आप लिख सकते हो कि अलग अलग भारत में तिब्बती, श्रीलंका से, तमिलियन से, एक्सेट्रा लोग आए हुए हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक प्रॉपर कमीशन बिठाना चाहिए ताकि आगे से इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकें। ओवरऑल आपने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। अगर ये 10 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप ऐसा लगा लीजिए कि 9 मार्क्स उसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 9 मार्क्स मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, बढ़ के आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।